मार्केट डाउन, सब बात कर रहे हैं कि मार्केट डाउन है, डाउन है। क्या ये डाउन ही रहेगी, डाउन मजीद होगी या इसमें कुछ बेहतरी भी होगी? आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, अगर चलें मेरी हाँ, एक बात, कुछ अमाउंट आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 करोड़ वाली चीज 2.20 पे गई है तो ये 1.5 करोड़ पे ही रहती या 1.70 पे रहती। भाई तो फिर आप क्यों 50 लाख नीचे आई है? अभी भी तो डेवलपमेंट। मैं आपको बताता हूँ, वो कौन सा पार्क उठा के ले गए हैं, सड़कें उखाड़ के ले गए बैरिया वाले। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बैरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत वक्त गुजर गया है कि मार्केट नीचे है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं कि मार्केट डाउन चल रही है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तकरीबन 1 मिलियन से लेकर तो 2.5 मिलियन तक कीमतों में फ़र्क आया है, चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो बैरिया होम्स हों, इसी तरह अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स में भी कीमतों में फ़र्क आए हैं। ये मार्केट डाउन, सब बात कर रहे हैं कि मार्केट डाउन है, डाउन है। क्या ये डाउन ही रहेगी, डाउन मजीद होगी या इसमें कुछ बेहतरी भी होगी? आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा कीमतों में फ़र्क हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से कुछ चीज़ें बेहतर हैं, क्या उधर भी रेट उस तरह कम है या फिर वहाँ बेहतरी आएगी, क्या होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा। बहुत शुक्रिया अली, शुक्रिया आपके वक्त का। अली, अगर हम ये बात करें इस वक्त मार्केट डाउन की, तो पिछले तकरीबन 14 माह से हम यही बात कर रहे हैं कि मार्केट डाउन, और डाउन इस तरह से डाउन ही रही है, कभी भी अप नहीं हुई है कि चलें एक महीना डेढ़ महीना कहे कि जी मार्केट बेहतर हो गई है, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। ये मार्केट डाउन ही रहनी है, ऐसी सिचुएशन रहनी है। शुक्रिया मुसी भाई। देखिए, मार्केट डाउन तो है और काफ़ी टाइम से नीचे हैं कीमतें, और कीमतें नीचे आ ही रही हैं। हमने कोई इन 14 महीनों में ऐसा दिन, ऐसी वीडियो नहीं की जिसमें हमने बताया हो कि कीमतें अप हुई हैं। कुछ लोगों ने फेक तरीके से अपने व्यूवर्स को, अपने यूज़र्स को यानी ये बताने की कोशिश की है कि मार्केट अच्छी हुई है, लेकिन लोग समझदार हैं और होना भी चाहिए, क्रॉस चेक करते हैं, तो वो बातें स्टैंड नहीं कर पाए जो उन्होंने अपनी वीडियो में कही, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मार्केट अच्छी हुई हो, सस्टेन की है, कीमतें बरकरार रही हैं, लेकिन जब फिर बायर नहीं आया तो कीमतें नीचे आई हैं। इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात की जा रही है। अभी मामला ये है कि कीमतें नीचे आती जा रही हैं, और 14 महीने का अरसा गुजर चुका है। अब सवाल जो लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये कब तक रहेगा, कभी कीमतें ऊपर आएंगी बायर्स, क्योंकि देखें बायर्स ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से गायब हो जाए या बिल्कुल ही बायर ना हो, ये कब किसी सूरत भी नहीं आती। नहीं तो जब कीमतें कम हो रही हैं, मार्केट डाउन हो रही है, तो बायर क्यों नहीं है, पर सवाल जी है। ये बायर्स चूंकि पैनिक की वजह से, बायर बेसिकली बहुत स्मार्ट बायर्स बाइंग कर रहे हैं, ये स्मार्ट बाइंग मार्केट है, यानी स्मार्ट बायर्स कीमतों में कमी का फ़ायदा उठा रहे हैं, और चूंकि ये बायर डोमिनेंट मार्केट हो गई है, बायर गालिब आ चुके हैं, तो वो उस तरह बाइंग करें। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो हालात की वजह से तंग है, मतलब मुआशी हालात की वजह से, और फिर महंगाई से भी उनको थोड़े मसाइल हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसे नहीं हैं, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन वो बस लगाने से ज़रा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम चीज़ ख़रीदें तो कीमत मज़ीद नीचे चली जाए। लेकिन असल में यही वो टाइम है, तो जब सरमायाकारी की जा सकती है। सरमायाकारी का तो आप कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं की जा, लेकिन मार्केट डाउन ही रहनी है, डाउन मजीद होनी है, इस पर भी तो लोग, अगर जो स्मार्ट बायर है वो ये भी तो वेट कर रहा है ना कि चले मजीद डाउन हो जाए। देखिए, जो इन्वेस्टर है यकीन जाने वो चीज़ें उठा लेता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसे कमाने हैं और उसने एक गहरी निगाह रखी है कि एक प्लॉट 15-17 लाख रुपए नीचे आ चुका है, अब उसको ये 17 लाख की गेन नज़र आ रहा है, यकीन हो सकता है वो 1-2 लाख और भी नीचे आ जाए, यानी जिस बाइंग पे वो अभी बाइंग कर रहा है प्लॉट उससे दो, लेकिन उसको जो दूसरी तरफ फ़ायदा नज़र आ रहा है वो अट्रैक्ट करता है प्रॉपर्टी ख़रीदने पर या कहीं सरमायाकारी करने पर। अब आपने सवाल किया कि ये ऐसी रहेगी, देखिए जो
मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक तो चीज़ें कुछ वक्त लेंगी ठीक होने में, और आगे रमज़ान है, रमज़ान में बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वतन आते हैं यानी पाकिस्तान आते हैं, तो वो आकर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। ये बैरियर टाउन कराची की रीत नहीं है, जब से ओवरसीज़ आते हैं तो वो क्योंकि हमेशा ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद उल फितर और रमज़ान को पाकिस्तान में गुजारते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुल्कों में हैं जहाँ शायद रमज़ान की उस तरह अहमियत नहीं है या पहचान समझा नहीं, मतलब माहौल नहीं बनता। तो ईद उल फितर और आखिरी अशरा और रमज़ान ये वो मौके हैं जब बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ की पाकिस्तान आएगी और वो यकीनन बाइंग करेगी। अच्छा नहीं, वो तो बाइंग करेगी लेकिन मुल्की हालात तो नहीं ठीक हो रहे हैं ना ईद तक, ना इलेक्शन हो रहे हैं ना कुछ चीज़ें हैं, तो फिर कैसे उनका बाइंग करना, बस ये है कि वो आएंगे तो मार्केट ठीक होगी। नहीं देखिए, मुल्की हालात को ठीक होने में वक्त लगेगा, इसी तरह मार्केट को बेहतर होने में वक्त लगेगा। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई काम ना हो, हमारा नहीं होगा आपका होगा, आपका नहीं होगा उनका होगा, पूरे देखें बड़े ऑफिसेज हैं उनमें फिर काम करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस पर जो रियल स्टेट को डील कर रही है, तो काम हो रहा है और इस मार्केट को बेहतर होने में अलबत्ता वक्त लगेगा। चलिए ये बताइए कि इस वक्त कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीधा जहाँ पर कीमतें ज़्यादा कम हो रही हैं या कम हुई हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आबाद हैं बिल्कुल है, वहाँ पर तो खास ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा पूरे पिछले 12-14 माह? देखिए फ़र्क तो वाजे रहा है, यानी अगर मैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करूँ, 31 का विला 30 लाख रुपए कम हुआ है, 10 का विला 25 लाख रुपए, स्पोर्ट सिटी विला तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए। ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, अलबत्ता बहुत बड़ी तादाद नहीं है 31 और 35 में, लेकिन फैमिलीज रहती हैं, यहाँ पर भी कीमतें कम हुई हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो जगह जो एक तो मेन गेट से दूर हैं और फिर दूसरी वो जगह जहाँ अभी आबादी नहीं है, तो वहाँ जो कीमतों का ग्राफ है वो ज़्यादा नीचे गया है। अलबत्ता जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर चूंकि लोग दूसरों को लोगों को देख कर रहते हैं, उनका एतमाद बहाल होता है, लेकिन प्लॉट पर तो ना कोई रहता है ना डेवलपमेंट एज सच है, डेवलपमेंट जितनी होनी थी हो गई, तो ज़्यादा जो कीमतें कमी देखी गई है एक तो वो मेन गेट से अंदर वाले प्लॉट हैं जो मेन गेट से डिस्टेंस में ज़्यादा हैं, दूसरे वो उनको आबाद होने में टाइम लगेगा, और तीसरा जहाँ जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, चंद एक अंडर डेवलप्ड है वहाँ पर कीमतें अगर 125 की बात करूँ तो 1.5 से 1.8 मिलियन का फ़र्क आया है पीक मार्केट से आज की डेट की मार्केट के मुताबिक। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा तासर होता है कि बहरिया टाउन में सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट डाउन की बातें हैं, मनफी सूरत हाल की बातें हैं, इसकी नस्बत अब हम बाकी सोसाइटीज़ में या बाकी शहर के दीगर जगहों पर देखते हैं, वहाँ बायर भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, फरोख्त भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बहरिया टाउन में ज़्यादा मार्केट डाउन और नेगेटिविटी नहीं? नहीं मुझे भाई, मामला ये है कि बहरिया टाउन जैसी कोई सोसाइटी नहीं है। क्या कोई एक सोसाइटी आप बता सकते हैं जिस पे इतनी बड़ी तादाद में एजेंट्स काम करते हो पूरे कराची में, जिसमें इतनी ज़्यादा बात होती हो, इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हों, इतनी ज़्यादा रियल स्टेट ऑफिसेज हों? देखें बड़ी चीज़ है, काम करने वालों की तादाद बड़ी है, बड़े इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स की बिलियंस की अमाउंट इस पूरी इंडस्ट्री में इंडल्ज है, इसीलिए जहाँ शहर के 40% लोग काम करें फिर बात भी उसी की होगी। ओवरसीज पाकिस्तान नहीं, लेकिन मार्केट डाउन का भी तो सबसे ज्यादा फर्क यहाँ है ना, बाकी जगहों पे नहीं आया। मैं तो इसका मतलब ये है कि पहले भी फिर ये सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी रियल स्टेट के एजेंट्स हैं, उन्होंने मार्केट को ख़राब भी तो फिर उन्होंने किया ना, गैर फितरी तौर पर यहाँ ले जाएं और फिर नीचे नहीं। उसमें ये मामला है कि कहीं ना कहीं कीमतें वक्त से पहले ऊपर चली गई थी, यानी कि थोड़ा टाइम लगना चाहिए था, लेकिन यानी अगर एक चीज की सट्टेबाजी हुई, सट्टेबाजी भी चंद एक लोग करते होंगे करते हैं, लेकिन सट्टेबाजी की भी ना एक लिमिट है, क्योंकि सट्टा करने के लिए भी बैक एंड पे बहुत पैसे चाहिए। अगेन हर माशरे में, हर ग्रो में कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा ग्रुप होता है जो ऐसा काम करता है, लेकिन अगेन ये बात सच है कि अगर एक प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू 2 करोड़ थी तो वो 2.20 पर चली गई थी, वो गलत हुआ था, वो नहीं होना नहीं, चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि 1.5 करोड़ की चीज़ 2.20 करोड़ पे गई है। बहरिया टाउन में जितनी गलत तरीके से प्लॉट्स की कीमतें गई हैं वो शायद पूरे पाकिस्तान में भी किसी नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, क्या पूरे पाकिस्तान में बैरियर टाउन जैसी डेवलपमेंट किसी ने की है? नहीं, बैरियर टाउन जैसी डेवलपमेंट की बात तो इसका मतलब ये थोड़ी है
कि आप कीमतें आसमान पे ले जाएं, मैं उसको मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए ना? नहीं नहीं, वो हम कभी भी उस मैं कभी भी उस बात की दलील नहीं दूंगा जो गलत तरीके से हुई है। अच्छा अगर चलें मेरी हाँ, एक बात कुछ एक... अमाउंट आप कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 करोड़ वाली चीज 2.20 पे गई है तो ये 1.5 करोड़ पे ही रहती या 1.70 पे रहती भाई। फिर आप क्यों 50 लाख नीचे आई है? अभी भी तो डेवलपमेंट। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा पार्क उठा के ले गए हैं, सड़कें उखाड़ के ले गए हैं बैरिया वाले। सर 350 गज के विलाज हैं, इस पे 50 लाख रुपए कम हुए हैं। आज 350 गज का अगर आप घर बनाने जाएंगे ना, ये 270 का सिर्फ घर बनेगा। लैंड ऑफ कॉस्ट अलग है आज की डेट की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक। मामला तो अब लैंड ऑफ कॉस्ट का है ना? नहीं, लैंड ऑफ कॉस्ट मेन गेट से दूर 40 किलोमीटर दूर एक घर बना के बैठे हैं। घर भी आपने आज से 7-8 साल पहले बना दिया ना, और वो तब की कॉस्ट, अब की कॉस्ट, जब लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर काहे को 3.5 करोड़ रुपए का भाई? नहीं नहीं, 3.5 करोड़ का नहीं है आज, वो 2.10 करोड़ रुपए का है। वो गया था 2.40 करोड़ रुपए पे। अब जो 30 लाख रुपए कम हुए हैं ये बायर्स के ना होने की वजह से हैं। स्पोर्ट्स सिटी विला की एक अलहदा पहचान है और बैरिया टाउन ने लोगों की आसानी के लिए इसको किस्तों पे दिया था, लंबी किस्तों पे दिया था बैरिया ने। अलबत्ता अब आप देखिए उस दौर में भी क्या 1.5 करोड़ में कितने का दिया जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। उस दौर में भी 16 मरले 350 गज 1.5 करोड़ रुपए का दिया था घर बना के। जी घर बना, पूरा लैंड और विला दोनों, मतलब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ठीक है। और इन सालों में अब 1.5 करोड़ को 2.5 करोड़ पे तो नहीं आना चाहिए था? तो कितना आना चाहिए था? 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान के किसी हिस्से में इस तरह से नहीं जाता। देखें पोजेशन दिए 5 साल हो गए हैं, उस प्रॉपर्टी को कब्जा दिए 5 साल हो गए हैं, लॉन्च किए 8 साल हो गए हैं। स्कूल है न, पार्क है न, स्टोर है, कोई चीज नहीं है। बैरिया टाउन ने जो रेट दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां 2.5 करोड़ रुपए जाना। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि वहां 2.20 करोड़ से 2.70 करोड़ की कीमतें थी। स्टोर वहां पे आ चुका है, बैरिया टाउन ने जबरदस्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और लोगों ने पसंद किया, इसीलिए लोग रह रहे हैं। कभी भी बड़ी प्रॉपर्टी पे सट्टा नहीं हो सकता, बड़ी प्रॉपर्टी पे सट्टा नहीं हो सकता क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी इंडल्ज होती है। देखिए आप सट्टा करेंगे 20 लाख की प्रॉपर्टी पे, 100 लाख की प्रॉपर्टी पे, 1 करोड़ की, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कोई सट्टा कैसे कर पाएगा? अली साहब वो भी तो किया ना। अब 125 गज के प्लॉट थे, 17.5 लाख के वो प्लॉट से उनको 60-60 लाख पर लेके गए, जहाँ पर अभी घर भी नहीं बन रहे हैं लोगों के। वो क्यों गए? वो गलत। आप लोगों को अभी कितने जाना चाहिए? मतलब 17.5 लाख का प्लॉट अगर मैक्सिमम भी जाए तो 40 लाख रुपए। नहीं नहीं, अच्छा ये आप 40 कैसे मुकर्रर कर रहे हैं? आप इसको 35 क्यों या 45 क्यों नहीं कह रहे? मैं तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना। ग्रेजुअली आप साल के अंदर पूरे शहर के अंदर प्रॉपर्टी के बढ़ने के, जो एक डेवलप्ड बेहतर एरियाज हैं और कितना दूर है, फार अवे है, उसके हिसाब से बढ़ने के ग्रेजुअली है। अगर ये नेचुरल होती हैं अली साहब तो ये वापस क्यों आई है 10-10 लाख? सर बायर्स इन्वेस्टर्स ने मुल्की हालात को देखते हुए पैसे लगाने छोड़े। आज हो भी या ना हो इस तरह नहीं होता। आज भी स्कीम 33 है, रोडे नहीं तैयार, खाक उड़ रही है, वहाँ जाते हो पता ही नहीं अपना प्लॉट के। आज भी वहाँ पे 1.5 करोड़ का प्लॉट है, स्कीम 33 में कोई पूछने वाला नहीं है। बैरिया टाउन में तो फिर डेवलपमेंट है, तो फिर क्यों नहीं होता? यही तो मैं बता रहा हूँ, मुल्की हालात नहीं अच्छे, वहाँ भी कीमतें 40-40 लाख नीचे आई हैं, लेकिन चूंकि वो 2 से 1.5 आया तो इतना लोगों को महसूस नहीं हो रहा। पुरानी बुकिंग्स हैं, कोई 9-9, 10-10 लाख की बुकिंग है। मैं मेमार की बात कर सकता हूँ, स्कीम 45 में मैं बात कर सकता हूँ। बैरिया टाउन में कीमतें थोड़ी ज़्यादा नीचे आई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है क्योंकि बैरिया टाउन में बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ की इन्वेस्ट करती है। ओवरसीज अब जब से ये हुकूमत चेंज हुई है, ओवरसीज ने अपना हाथ खींचा है और ये तभी वापस आएगा जब मुल्की हालात की बेहतरी होगी। चलें, मुल्की हालात की बेहतरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में, लेकिन अगर मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलाया जाए तो बहुत अच्छा है जो बैरिया टाउन चला रहा था, ना कि कुछ डीलर्स, कुछ इन्वेस्टर्स और कुछ सट्टाबाज जब मिल के प्लॉट रातों रात उठाते हैं, 1-1.5 महीना मार्केट ऊपर जाती है और उसके बाद फिर मार्केट क्रैश हो जाती है। बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह का सीन हमें बैरिया के अंदर नज़र भी आया है पिछले 3-4 साल में। ये तो मानते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? इसलिए नहीं मानता कि कोविड तक मार्केट मनना ही कोई ख्याल नहीं है उन पर। सर ऐसा नहीं है। देखिए मामला है कि कोविड में सबसे ज़्यादा कीमतें नीचे गईं। कोविड में एक ही सोसाइटी थी जहाँ लोगों ने रहना चाहा, वो था बैरिया टाउन कराची। बैरिया टाउन में सबसे ज्यादा मूव हुई। आप ऐसे लग रहा है कि आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं बैरिया टाउन मुखालिफ बात कर रहा हूं। मैं देखो मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं। मैं बैरिया टाउन मेरी तो सबसे फेवरेट जगह है ना बैरिया टाउन। मैं इसके बारे में क्यों कहूंगा? मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मार्केट खराब करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं।
सर चंद एक ग्रो हर जगह होता है, चंद और वो छाया हुआ था यहाँ पर, नहीं वो ये था कि अब वो निकल गया है, अब ग्रह नहीं, वो भी अभी निकला नहीं है, वो भी फंसा हुआ है। कहने का मतलब ये कि अब कौन आ रहा है, जो आप कह रहे थे कि काम हो रहा है, अब एंड यूजर आ रहा है, एंड यूजर ही चलाता है सर। अब आप देखें, 15 में घर बन रहे हैं, अली ब्लॉक में घर बन रहे हैं, 10B में घर बन रहे हैं, 11B में घर बन रहे हैं, 27 में जाके आप देखें धड़ाधड़ घर बन रहे हैं, बड़े घरों की बात करें 4 में घर बन रहे हैं, 7 में 6 में घर बन रहे हैं, 8 में बन रहे हैं, सारी जगह कोई ऐसा प्रीसेंट नहीं जहां घर ना बन रहा है। घर बना रहे हैं वो तो एंड यूजर की तरफ आ रहा है ना। जैसे भाई मैं आखिरी बात कर देता हूं कि देखें 1.5 साल मार्केट ना खूब चली है, सट्टाबाज कभी भी 1.5 साल मार्केट नहीं चला सकता, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1.5 साल मार्केट कभी वापस नहीं आई। मैं टाइम बता देता हूँ, सितंबर 2020 जब कोविड पाकिस्तान में कम हो रहा था, उससे लेकर 2021 दिसंबर तक मार्केट अपने पीक पे रही है। कभी इतने इन्वेस्टर सट्टाबाज इतनी देर मार्केट को नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में ये काम हुआ भी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन अगेन इन्वेस्टर्स मेरा नुकता नज़र है, इन्वेस्टर बहुत बड़ी तादाद में बैरियटन कराची में इन्वेस्ट करते हैं और ओवरसीज़ की मैक्सिमम जो अगर कराची के ज़्यादा ओवरसीज हैं वो शायद बैरे टाउन का इंतखाब करते हैं। चलें अभी 14 महीनों से तो मुसलसल नीचे जा रहे हैं, बड़ी लंबी बात हो गई जी, और कुछ इख्तलाफ अभी भी बरकरार है मेरा अली से और अली का मेरे से, इस इख्तलाफ को आइंदा वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। आपकी क्या राय है मार्केट के हवाले से ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।